चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज दिस मच द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखो अगर मैं कहूँ कि एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है आई एम्पियर की, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और एन जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है बी की वैल्यू दी हुई है 3.14 × 10⁻³, ठीक है, और रेडियस आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ये आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। करंट की वैल्यू आई की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, करेक्ट है, और क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ टर्न्स पता करना है, एन निकालना है हमको। तो आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.14 × 10⁻³, एंड नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू निकालनी है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4π × 10⁻⁷ हो गया म्यू नॉट, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 आर, आर की वैल्यू 0.1, करेक्ट है। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 3.14 × 10⁻³ एन इंटू 4π, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू 10⁻⁷ इंटू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, ठीक है, 3.14 से 3.14 गया, एन की वैल्यू निकाली जाए कितनी होगी 0.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू नीचे आएगी, 4 नीचे आया और 10⁻⁷ ये -7 प्लस 1 -6, इसको आप लिख सकते हो क्या 0.2 × 10⁻³ + 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको यहाँ लिख देते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स 200 डिवाइडेड बाई 4 50 आ रहा है, 50 टर्न्स, ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 50 टर्न्स का ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो सही है ये आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।